खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक आरटीआई कार्यकर्ता पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घायल को कमर के ऊपर हिस्से में गोली लगी है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल में उपचाररत पंडरी निर्गुणे ने बताया कि वो उनकी पत्नी हल्दी घाटी के समीप ग्राम लोनारा स्थित प्राथमिक स्कूल में बतौर शिक्षिका पदस्थ है। खरगोन से सुबह 10 बजे उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने गए थे। लौटते समय लोनारा से कुछ ही दूरी पर स्थित गिट्टी खदान के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से फायरिंग की। उन्होंने दो फायर किए, जिसमें से एक गोली कमर में लगी। इसी दौरान पीछे से कोई बाइक सवार आ गया, जिसे देख वो भाग निकले। इसके बाद मोबाइल पर पत्नी और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। निर्गुड़ा ने बताया कि वो आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के साथ ही वन विभाग के मामलों में शिकायतें कर रखी हैं। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब रसूखदारी के दम पर पत्रकारों एवं जनहितार्थ कार्य करने वालों पर इस तरह के हमले और प्रताड़ना की घटना घटित हुई है। पिछले दो दिनों पूर्व खंडवा के एक रसूखदार कॉलोनाइजर ने खरगोन के एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के रसूखदार लोग प्रशासन का दुरुपयोग लेते हुए अपने गलत कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भले ही जनहितैषी होने का दावा करती रहे, किंतु इस तरह कृत्य सरकार के इन दावों को खोखला साबित करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैडम को छोड़ के आ रहे थे तो उनको रास्ते में वापस जब आ रहे थे। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? ये लोनारा ग्राम और गिट्टी खदान है, वहाँ पे बिस्कान के आगे ग्राम खेड़ा। ग्राम खेड़ा के आते थे तो उसमें इनका गोली लगी है। अब कहीं कहाँ मारा नहीं, क्या हुआ नहीं। मैं तो घर था। क्या कहाँ रहते हो? ये गूगल बेड़ा रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये गोकुलदास कॉलोनी में रहते हैं। खरगोन रहते हैं? हाँ। यहाँ छोड़ने जा रहे थे? हाँ, स्कूल छोड़ने जाते थे, आते समय कुछ मार दिया। क्या मारी गोली? दाम गड़ा? हाँ। अब ये पता ही नहीं तो कहाँ की जगह मारी है। क्या नाम तुम्हारा? मनसाराम। खरगोन से मेरी मिसेस को स्कूल छोड़ने गया खड़किया घाट, वहाँ से छोड़ के वापस आ रहा था। उतने में पीछे से एक मोटरसाइकिल लेके आए और मुझे गोली मारी। सर, जब फटने से आवाज़ आई तो मेरे को सुनाई दिया और एकदम से मैं गिर गया। मुझे चोट लगी तो उसके बाद में मैं जतपत खड़ा हुआ और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला बोला कि भैया रुको यार। वो शुरू से लगा लो, फिर से कर लो। घटना यह हुई कि मैं इधर से मिसेस को छोड़ने गया खड़किया घाट स्कूल और वहां से आ रहा था वापस। उतने में कोई दो जन आए बाइक सवार, उन्होंने पीछे से मेरे को गोली मारी। फटने से आवाज आई, वो सुना मैंने और मैं गिर गया एकदम से। और मैं फटाक से उठा कोशिश करके और उतने मेरे पीछे हाथ लगाए कि पीछे इतना दर्द क्यों। तो खून मैंने देखा तो एक मोटरसाइकिल लेके आया, उसको मैंने हाथ दिया। फिर उसने बताया कि भाई क्या हो गया, मेरे को कोई ने गोली मार दी। उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला गोली मारी पीछे से और भी मैं खड़ा होने लगा। वैसे भी गोली वो मार रहा था वो, पर उधर से बाइक वाला आया तो उसको देख के वो भाग गया। उसने देख लिया सब, उन्हें पहचान में नहीं आया वो आदमी, पर दो दो लड़के थे काले कपड़े। हाँ, उसने कई कपड़ा लगाया था। मैंने सूचना के अधिकार में पहले जानकारी मांगी थी, हेल्पलाइन पे भी किया था मैंने शिकायतें, और वन विभाग को भी मैंने हाई कोर्ट लगा रखा है, कोर्ट बेड़ा से भी मांगी थी पहले, और सिरवेल की 10 पंचायत से पहले जानकारियां भी मांगी थी मैंने। हाँ, आईटीआई का भी और समाज सेवा भी करता, पत्रकारिता भी करता हूँ। ये खड़किया घाट जी सर, मेरे को ये जलन के लिए कोई ने मारा होगा। घटना खड़किया घाट पे नहीं, स्कूल से इधर आगे छोड़ के वापस आ रहा था, ये गिट्टी खदान के पास। वहाँ गिट्टी खदान पे कैमरे भी लगे हैं, वहां से भी पता चल जाएगा उस कैमरे में कि कौन मार के निकला। वो उम्र होगी सर 30 के इधर ही होंगे, 21, 22, 23, 24। नहीं बोले ही नहीं, चुपचाप ही रहे बस। फिर फायरिंग और गाड़ी रोक के फायरिंग की ना डबल से, पर मुझे लगा नहीं।
और भाग निकला सर। दो फायर किए थे, एक तो लग गया और एक फिर फायर किया तो वो लगा नहीं, वो उधर हो गया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके भागे गए, गाड़ी चालू थी। मेरे नाम पंडरी निर्गुड़े हैं। आज दिनांक 7 फरवरी को दिन में करीब 1 बजे के आसपास जिला चिकित्सालय खरगोन में पंडरी निर्गुड़े आयु लगभग 45 से 50 वर्ष को गोली लगने से जिला चिकित्सालय खरगोन में उपचार के लिए लाया गया है। वर्तमान में मरीज ट्रॉमा वार्ड में भर्ती है। मरीज को रीढ़ की हड्डी के भाग पर गोली लगी हुई है। गोली को निकालने का प्रयास करते हैं, यदि निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्पाइन सर्जन के पास में इंदौर MY के लिए रेफर किया। वर्तमान में मरीज की हालत स्थिर है। गोली कहाँ फंसी? रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर। एक्सरे हो गया। डॉक्टर चेतन पटवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।